आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ निकला हूँ एक ऐसे वाटरफॉल को ढूंढने जिसके बारे में शायद गांव वालों के अलावा और कोई नहीं जानता। मुझे पानी से सबसे ज्यादा डर लगता है, पर मैं नहीं जानता था कि आज मेरा ये डर प्रकृति खुद दूर करने वाली है। आज के इस सफर में बहुत कुछ होने वाला है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले तो सारे लोग हमें धन्वंतरी नगर स्क्वायर में मिलेंगे, 6-7 लोग हैं। हाथीनाला वाटरफॉल तक जाने के लिए हमें जबलपुर भोपाल हाईवे से जाना होता है। जबलपुर से इस वाटरफॉल का अप्रॉक्स डिस्टेंस 65 किलोमीटर है। सो अराउंड 40-45 किलोमीटर तक हम लोग चल चुके हैं, मतलब 50 कुछ चल चुके हैं। अभी घाट आने वाले हैं, घाट वाला एरिया आने वाला है। बस वहाँ पे रोड ख़राब है, लेकिन वो घाट वाला एरिया अभी क्योंकि बरसात है तो काफ़ी खूबसूरत हो गया होगा, लेकिन उसी के साथ रोड नहीं बनी है तो वहाँ कीचड़ भी काफ़ी होगी। तो एक बस वही पैच है इस रोड में जितना मैंने देखा है, बाकी तो सब सही है। आज मौसम एकदम बढ़िया मौसम है। अभी हमने कुछ 5 मिनट का ब्रेक लिया है क्योंकि व्यू घाट स्टार्ट होने के जस्ट पहले बहुत ही सुंदर है यहाँ, बहुत सही लगता है। अभी मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, दिस इज सो अमेजिंग, क्या सही लगता है। और हम एकदम सही टाइम पर राइड कर रहे हैं, अभी 7 बजे है सुबह का, बहुत टाइम है हमारे पास और हम ऑलमोस्ट पहुँच गए। हमने 50-60% तो कवर ही कर लिया है। सो हमारा चिल वगैरह हो गया है, जो कि आपने देखा ये है नज़ारे आज की राइड के। और अभी तो ये शुरू के नज़ारे हैं, एक्चुअल नज़ारे तो अभी बाकी हैं। तो आप सामने जो आप देख रहे हैं ये घाट वाला एरिया है, और यहाँ से अब जो है ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगी। थोड़ी थोड़ी रोड बन गई, थोड़ी थोड़ी ख़राब है, बारिश का मौसम है तो कीचड़ ज़्यादा है। घाट्स की खासियत, पानी गिर रहा है, बारिश शुरू हो गई है। मैंने GoPro की वाटर प्रूफिंग तो की है YouTube पर देखकर, बस रिस्क है मेरा GoPro ख़राब ना हो क्योंकि मेरे पास एक ही है। अब ये वाटरफॉल एकदम ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, जिसकी वजह से इसकी कोई भी एग्जैक्ट गूगल मैप लोकेशन नहीं है। तो हम वहीं पास के एक गांव में रुके कि इस वाटरफॉल तक पहुंचने का एग्जैक्ट रास्ता कहां से है। सो अब शुरू होने वाला एक रियल एडवेंचर जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बारिश बिल्कुल अभी रुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ की चिकनी मिट्टी में हमारी बाइक्स काफ़ी ज़्यादा फिसल रही थी। क्योंकि हाथीनाला वाटरफॉल एक हिडन प्लेस है तो यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, जिस वजह से हमें और दिक्कत हुई। पर सच बताऊँ, बीच जंगल में बाइक को खड़े करके जो सुकून मिला वो दिल और दिमाग को राहत दे रहा था। अब एक जगह हम ऐसा फंसे कि आयुष और यश की बाइक्स पूरी फंस गई थी। तभी मैंने देखा साइड से पत्थरों वाला रास्ता और सोचा कि बाइक को यहाँ से निकालता हूँ। सच बताऊँ, मुझे अपनी बाइक की अहमियत आज समझ आई, क्योंकि अब तक मेरी बाइक कहीं भी नहीं फंसी थी। मैं बहुत आराम से एंजॉय करते हुए जंगल को पार कर रहा था। ये करते वक्त मुझे अपनी बाइक को लेकर लॉर्ड अपाचे वाली फीलिंग आ रही थी, और तब मुझे समझ आया कि क्यों अपाचे एक लेजेंडरी बाइक है। तो जैसे तैसे कुछ 500 मीटर जंगल में अपनी बाइक के निशान छोड़ते हुए हम सब पहुंचे वाटरफॉल तक। सो एडवेंचरस वाइब आपने देख ली, किस रास्ते से हम होते हुए आए हैं। अब जंगल वाली वाइब शुरू होंगी, मतलब ये जो नेचर ट्रेल शुरू होगा, यहाँ से पैदल जाना होता है। एंड आज मौसम बहुत ही सही है, एंड मूड बहुत अच्छा हो गया है। लास्ट उसमें जो मेरी अपाचे फंसी नहीं और उसमें मज़ा आ गया और सही सीन्स हो गए एकदम। तो जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है ना, वहाँ से वाटरफॉल अराउंड 50 मीटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन हाँ, ऊंचा वाटरफॉल है, अच्छा है, बढ़िया है। Thank you.
वाटरफॉल के पानी की आपको आवाज़ आ ही रही होगी। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, पर उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मेरे को शूट अलग अलग करना पड़ता है तो मेरे को स्वेटिंग जल्दी होती है। एंड अब जो नज़ारे आपके सामने आने वाले हैं वो अलग ही हैं, क्योंकि आपको पता है ये भैया वीडियोज़ नहीं, वाइब्स बनाते हैं। मतलब ये कितनी सही फीलिंग है, बाजू में पूरा जंगल है, यहाँ पानी बह रहा है एंड हम सिर्फ चार लोग हैं यहाँ पे, मतलब पांच लोग जितने हम लोग आए हैं। एंड अब वाटरफॉल भी पास में आ गया और क्या ही खूबसूरत है। एक्साइटमेंट हो रही होगी आप लोगों को। सो लगा लीजिए ईयरफोन्स, क्योंकि आपको पता है वाइब बनने वाली है। तो देखो मैं पुणे तो जा नहीं पाता हूँ, लेकिन पुणे की वाइब्स जबलपुर शहर में मिल जाती है थोड़ी थोड़ी। ये जो वाटरफॉल है ना बहुत खूबसूरत है, ये बहुत हाइट से है। अभी मैं वाटरफॉल के पीछे साइड जा रहा हूँ। हाय हाय हाय, क्या फील आ रहा है भाई। ओ यहाँ बैठकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई बहुत हैवी चीज दूर हो रही हो। आयुष और आर्यन के जोर देने पर मैं पानी की तरफ जैसे तैसे बढ़ने तो लगा, पर अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था। पहली बार पानी में जाने से तो मेरी सांसें ही तेज होने लगी। मैं घबराने लगा पर आयुष ने साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार मैंने खुद को समझाया कि ये डर मुझे खत्म तो करना ही है, और फिर मैं वैसे ही वहां खड़ा रहा काफी देर तक। कुछ 5 मिनट हुए होंगे और मुझे इतना हल्का फील होने लगा कि मैं वहीं बैठ गया और दुनिया भर की चीज़ों को पीछे छोड़कर बस पानी की आवाज़ सुनने लगा। जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डरता था, या यूं कहूं कि डरता हूं, उसे मैंने आज करीब 10% तो कम कर लिया। अगर आयुष और आर्यन नहीं होते तो शायद मैं ये चीज़ नहीं कर पाता। और शायद इसलिए कहा है कि आपकी ज़िंदगी में दोस्तों का होना, और बहुत ख़ास और बहुत अच्छे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। आज जो मैंने किया ना वो लाइफ में आज पहली बार है। पानी से बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, लेकिन उसी डर को ओवरकम करने के लिए और थैंक्स टू आयुष एंड आर्यन, वो दोनों ने थोड़ा सा मोटिवेट किया, बोला कुछ नहीं होगा। मैं जाके जब बैठा हूँ ना तो वो जो कह सकते हो आप मेंटल थेरेपी, मतलब इतना सही था ना, इतना लाइट फील कर रहा हूँ अभी मैं। ट्रस्ट मी, दिस इज़ सो गुड। और ये बहुत अलग एहसास है, बहुत ही सही लग रहा है। एंड खास बात ये है कि अभी हम 5 लोग हैं, ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, तो लोग ज़्यादा आते ही नहीं है। पर ये एक्सपीरियंस बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। यहाँ आप बारिश आ रही है धीरे धीरे,
और हमने खूब एंजॉय कर लिया, नहा लिया है, खा लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम वापस जबलपुर की तरफ जाएंगे, अपने घर की तरफ जाएंगे। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस ब्लॉग को देख के, ये प्लेस आपको कैसी लगी, वाटरफॉल आपको कैसा लगा। हाथी नाला वाटरफॉल उसको कहते हैं, लाइन से यहाँ पे 2-3 वाटरफॉल्स हैं राजमार्ग के पहले। सो आपके जो भी थॉट्स हैं इस ब्लॉग को लेके वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग को करिएगा लाइक अगर आपको पसंद आया होगा, और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल्ड्रन के साथ जीते रहिए। बाय बाय।